हेलो टीबोन्स फैन, आर वी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी मजेदार ऑसम कूल होंगे। सो गाइस यार, आज की वीडियो स्टार्ट करें, बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो लाइक सब्सक्राइब मारो। एंड भाई यार, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझाने वाले हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर एक बात रह गई थी, जो कि भाई साहब सैकड़ों बंदों ने कमेंट करके पूछा भाई कि मेरे नेम, यानी मीन मेरे क्लैन का ये नेम है, तो यानी कि क्या वो चेंज हो सकता है। देखो भाई, आपके क्लैन का कुछ भी नेम हो, ऐसे नहीं चेंज हो सकता है। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, तो वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या क्या चाहिए जिसकी वजह से आपके क्लैन का नेम चेंज हो सकता है, एंड कैसे करना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यार देखो, पहली बात कि आपका जो क्लैन का नेम है वो होना चाहिए किसी प्लेस के ऊपर, किसी जगह के नाम के ऊपर होना चाहिए, किसी कंट्री के नेम के ऊपर होना चाहिए, या तो किसी अब्यूजिंग वर्ड के ऊपर होना चाहिए, किसी गाली वाले शब्द के ऊपर। तो वहाँ पे जो आपको उससे कंफर्टेबल फील ना होता हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हो सेटिंग के अंदर एंड हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर, एंड सीधे से वहाँ पर नीचे जाओगे कॉन्टैक्ट अस पे, वहाँ पे मैसेज अस पे जाओगे, देन आफ्टर वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम होती है वहाँ भी, तो यार वो प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग को ये देखने के लिए मिलेगी कि अब देखो भाई, अपडेट के बाद यहाँ पे 2022 में वही लोग केवल बात कर सकते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के, जैसे कि जो एक मैनेजिंग टीम रहती है, तो उससे वही लोग बात कर सकते हैं जिन लोगों ने गोल्ड पास ले रखा है। अगर लाइफ में एक बार भी ले रखा है तभी तुम लोग के पास, यानी कॉन्टैक्ट अस के बाद वो मैसेज अस का ऑप्शन आएगा, वरना वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर गोल्ड पास वाली कोई आईडी है तो उससे जाओ, उससे ट्राई करो, बट वो आईडी को लीडर या लीडर होनी चाहिए क्लैन के अंदर। तो भाई ये हो गई यार पहली बात। तो यार दूसरी बात ये निकल करके आती है कि आपका क्लैन कोई ई स्पोर्ट क्लैन होना चाहिए, कोई टूर्नामेंट क्लैन होना चाहिए, वो भी छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट वाला क्लैन होना चाहिए। देन आफ्टर आपको सुपर सेल खुद नेम चेंज करके देगा, आप लोग वहाँ पे एडिट के ऑप्शन में जा करके नहीं चेंज कर सकते हो अपने मन से, यानी कुछ भी नेम नहीं रख सकते हो। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको आई मीन क्या नेम रखवाना है, तो वहाँ पे आप लोग को वो सिंपली वहाँ पर लिख करके आपको देना पड़ेगा मैनेजमेंट टीम को, देन वो चेंज करके देंगे। एंड इतना सिंपल नहीं होता है, क्लैन का नेम चेंज करना ही तो सबसे मुश्किल बात होती है, तो इतना आसानी से तो भाई ये सिस्टम होने वाला है नहीं। आप लोग को आई मीन या तो फिर तगड़ा प्लेयर होना चाहिए, या तो फिर फेमस प्लेयर होना चाहिए, या तो फिर आपका क्लैन जो हम लोगों ने पहली रिक्वायरमेंट बताई, या तो उससे होना चाहिए। तो ई स्पोर्ट क्लैन रहेगा तो भी आप लोग का काम हो जाने वाला, तो यहाँ पे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ई स्पोर्ट क्लैन है तो यार बहुत अच्छी बात है, आप लोग जा करके कर सकते हो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप का होना चाहिए भाई। तो यार इतना सिंपल तो होता नहीं यार, हर बंदा तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलता नहीं जिसकी चैंपियन लीग वन की CWL रहती है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्लैंस को दिखाया भी था जिनके नेम एक नहीं, दो नहीं, तीन बार चेंज हुए थे, बट इस वीडियो में हम लोगों ने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई इस वीडियो में उस टॉपिक को पूरा फिर से नहीं लपेटना था, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन बची थी आप लोग को देनी वो लपेटना था, और अभी अगर आप लोगों ने देखा नहीं वो वीडियो तो जल्दी से जाओ देखो, मेरे चैनल पर आप लोग को दिख जाएगी वो, एंड उस पर अप्रॉक्स अभी मेरे को लग रहा है 5K या 6K व्यूज़ हैं, तो उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आगे का पता नहीं, बट यार देखो यही चीज़ सीन हो जाता है वहाँ पे कि बंदे जानना चाहते हैं वो चीज़, लेकिन वहाँ पे उन लोग को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। मैंने बताया सब कुछ था, बट यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि एक टॉपिक छूट गया जो बंदे बार बार कह रहे थे कि भाई क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज कर सकता हूँ, मेरे क्लैन का नेम ये है ये। तो भाई यार कुछ भी हो, आपके क्लैन का नेम उससे नहीं मतलब है, जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है, अगर इस रिक्वायरमेंट में अगर आपके कुछ भी दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि भाई इससे एक चीज़ मेरा हट के है, तब फिर आप लोग बोल सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप लोग नहीं बोल सकते, अगर आपका क्लैन एकदम सब कुछ सही है। तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है और निकल करके आती है, तो यार इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान दे देना भाई। और ज़्यादा कुछ तो कहने की ज़रूरत नहीं है यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ भी पूछना हो तो यार इंस्टाग्राम पे पूछा करो मेरे भाई, इस तरीके से कमेंट करके पूछोगे तो भाई किस किस के आंसर दे सकूँगा, ठीक है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, आज की वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी, ऑसम कूल लगी होगी। एंड कुछ अगर कमी रह गई तो अभी भी जाओ बताओ मेरे को कि क्या अभी मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे बंदों ने ये भी पूछा था कि भाई जो ये ऑटोमेटिक लीडरशिप वाला ग्लिच है वो कब जाएगा गेम से। तो भाई यार देखो यार, ये ग्लिच आज का नहीं है, बहुत टाइम का है। एंड आप लोग को बता दें कि ये ग्लिच ऐसे नहीं होता, अगर आपके क्लैन में केवल बहुत कम यानी कि लगभग एक ही प्लेयर हो जो आप लीडर हो, कोई बंदा ज्वाइन करता है, आप उसे को लीडर बनाते हो, तो ऑटोमेटिक आप किक हो जाते हो ना, तो ये ग्लिच होता है वहाँ पे। इसके ऊपर मुझे भी बहुत कुछ रिसर्च अभी करना है एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, देन आफ्टर हम लोग को आप लोग को एकदम 100% इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि हम लोग कुछ भी हवा में बात नहीं कर सकती ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं।
और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लो यार जा करके, बहुत सारे जितने भी चैलेंजेस आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब मारो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिला तो फिर इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे मुझे DM करो, मैं वहाँ पे आप लोग का रिप्लाई करके आंसर दे दूंगा। आई होप कि गाइज आज की वीडियो आप लोग को मज़ेदार लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी इससे ज़्यादा तो यार इस वीडियो में हम लोग कुछ नहीं बता सकते, वरना वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो यार इस जो टॉपिक को मैंने बताया अभी पिछला वाला जो कि क्लैन से रिलेटेड था, तो वो वाला भी हम लोग अभी लपेटेंगे अपने अगले वीडियो में आने वाले, जहाँ पर बंदों को कन्फ्यूजन है यार क्लैन से रिलेटेड, तो यार वहाँ पे बताएंगे कि भाई ऑटोमेटिक लीडरशिप कैसे चली जाती है, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो उसका वीडियो का इंतजार करो आप लोग, एंड फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो फॉलो करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना मेरे भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इंस्टाग्राम ग्लिच वाली तो यार भाई क्या ही बात करें, उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ पता करेंगे, देन आफ्टर उसके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के एक और मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।